बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। मैं हूं मंजू नेगी, भगवान बद्री विशाल के पावन भूमि चमोली गढ़वाल से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहाड़ों के इन खूबसूरत वादियों के बीच से आज का एक और नया ब्लॉग। अभी सुबह के करीब 9 बज चुके हैं, तो आज के दिन की शुरुआत भी हो गई। मौसम की बात करें तो आज मौसम एकदम साफ हो रखा है और बहुत तेज़ की धूप खिली हुई है। कल तक तो मौसम थोड़ा ठंडा था और इतनी गर्मी नहीं हो रही थी, लेकिन आज बहुत तेज़ की धूप लगी हुई है। तो अभी मैं आ रखी हूँ अपने छत में और आज की ब्लॉगिंग मेरी अपनी छत से स्टार्ट हो रही है और छत पे मैं आज का ब्लॉग बनाऊंगी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को आज का नज़ारा दिखा देती हूँ कि आज का नज़ारा यहाँ कैसे हो रखा है, और आप लोग भी इंजॉय लेते रहे और पहाड़ों के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते रहे। तो चले फ्रेंड, ये रहा आज का नज़ारा। बहुत तेज़ की धूप खिली हुई है और आसमान एकदम साफ हो रखा है। सामने वाली पहाड़ियों पे धुंध जैसी लगी हुई है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहे। अभी हमारा नाश्ता भी हो चुका है, तो मैं आ गई हूँ अभी अपने छत में। तो यहाँ पे मेरा आज कुछ काम है। तो अभी सभी लोग अपने अपने कामों पे चले गए हैं, मेरे पापा भी अपने काम पे चले गए हैं, पवन भी चला गया है मार्केट, और मेरी मम्मी भी जा रहे हैं कहीं दूसरे गाँव में, वहाँ कुछ काम है। तो मेरे लिए आज ये काम है कि छत में मैंने है यहाँ हमने फिनिशिंग कर रखी है। तो जब से हमारा फिनिशिंग हुआ, प्लस्तर का काम हुआ, तब से पानी भी बहुत कम आ रहा है। तो उतना यहाँ पे ढंग से तराई नहीं हो पाई इनमें और काफ़ी रूखे सूखे हो गए हैं ये। तो आज भी पानी बहुत कम आ रहा है, ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा वो पानी, इतना कम आ रहा है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे कितना पानी आ रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा, जो हमारा सिंटेक्स है उसमें कितना पानी हो रखा है। तो चलिए देखते हैं। और छत में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसी वजह से मैंने ये सर पर परांदा रखा हुआ है ताकि ना गर्मी से सर दर्द न हो पाए, तो इसलिए मैंने ये सर पे रखा हुआ है। देखते हैं सिंटेक्स में पानी आ रहा या नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक भी पानी नहीं आ रहा और सिंटेक्स में भी अभी आधा ही पानी है। तो जितना है ये मैं उतना ही डालूंगी और पानी तो आ नहीं रहा। पानी इनमें ना उस दिन से ढंग से तराई भी नहीं हो पाई और वहाँ पे एक भैया ने खोल रखा है पानी नीचे पे। तो कई बार मैंने उनको बोल दिया था कि पानी बंद कर दो थोड़ा, तो भाई भी पता नहीं कहाँ चले गए। अभी मेरी मम्मी हो गई है वहाँ पे तैयार, तो मम्मी जा रही है कहीं दूसरे गांव में और आज सारा काम मुझे करना पड़ेगा लगभग। तो पानी बंद कर दे। अभी मैंने यहाँ पे भी पन्नी डाल दिया है जहाँ से पानी नीचे जाने के लिए छोड़ रखा, और एक यहाँ पे भी ताकि यहाँ से पानी नीचे ना निकले। तो अब फटाफट से मैं तराई कर देती हूँ जितना भी पानी है उसमें, क्योंकि बाद में ना और काम भी है मेरा। तो अभी यहाँ पे आवाज़ आ रही पानी की, देखते हैं कितना पानी आ रहा। ये बूंद बूंद है। तो मेरे हो रखे हैं अभी बहुत सारे कपड़े धोने के लिए, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना मैं कपड़ों की बाल्टी ऊपर ही पिलाऊँ धोने के लिए। तो यहाँ पे तराई भी हो जाएगी और कपड़े भी धोए जाएंगे, दोनों काम एक साथ निपट जाएगा। तो नीचे पे ना खाली कपड़े धोने पे पानी वेस्ट भी नहीं होगा, जितना पानी वेस्ट होगा वो यहाँ का काम आ जाएगा। और यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत पानी भी आने लग गया है, थोड़ा सा ज़्यादा, तो देखते हैं। अभी यहाँ पे पहले से थोड़ा पानी ज़्यादा आने लग गया है, तो मैं कपड़ों की बाल्टी यहीं पिलाती हूँ धोने के लिए। तो इतना भिगा दिया मैंने अभी यहाँ पे। और अब चलती हूँ नीचे कपड़ों की बाल्टी लेने। तो चलते हैं नीचे और कपड़ों की बाल्टी लाते हैं ऊपर पे। तो ये काम ना बहुत बढ़िया हो गया है, दोनों काम साथ में निपट जाएंगे और पानी भी वेस्ट नहीं होगा फालतू में। अभी तो यहीं से चलती हूँ नीचे, तो काफ़ी फिसलन भी हो रखे हैं बजरी की वजह से, यानी रेत की वजह से। तो बाल्टी देखती हूँ अब कैसे चढ़ा पाती हूँ मैं ऊपर कपड़ों की, वैसे भी वो भिगो रखे हैं तो भारी हो रखी होंगी ज़्यादा। और जो जो भी वहाँ पे आराम से धूप में लेट रखा है, अच्छी सी नींद लगी हुई है जो जो को यहाँ पे। जो जो ओई हो उठ गया। ऊपर तराई करने के बाद मैंने यहाँ पे करनी है तराई, तो बहुत काम है आज मेरे लिए। अब चलते हैं सीधा नीचे कपड़ों की बाल्टी लेने। ये रही यहाँ पे कपड़ों की बाल्टी, तो ये धोने हैं मैंने, कुछ कपड़े उधर साइड है मम्मी के वो भी धोने हैं। तो यहाँ पे भाई साहब ने ये बाल्टी भी लगा रखी है, तो इसमें पानी
खोल रखा होगा या बंद कर दिया होगा, तो मैंने बंद करने के लिए कहा था तो शायद अभी बंद कर रखा है वहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं कपड़ों की बाल्टी और साथ में एक पतीली भी ला गई हूँ ऊपर पे कपड़े धोने के लिए, तो अब फटाफट से मैं इनको धो देती हूँ यहाँ पे। चलने भी शुरू हो गए हैं, तो आजकल ना जैसे हवा चल रही है तो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू होने लग गया तो हवाएं भी ना अच्छी लगने लग गई। तो फटाफट से मैं इनको सुखाने के लिए ले जाती हूँ। ये यहाँ पे धो दिए हैं मैंने कपड़े और अब ले जाती हूँ इनको सुखाने के लिए। तो मैं ना बगल वाले घर के ऊपर डालूंगी, यानी जो कूड़ा है हमारा वहाँ पे, इन कपड़ों को मैं यहाँ पे डालूंगी सुखाने के लिए। तो यहाँ पे ये जल्दी से और अच्छे से सूख जाएंगे अभी। तो ये है हमारा पठाल वाला घर। तो हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर घर पठाल वाला होता है, तो पठाल वाले घर होते हैं जो काफ़ी पक्के होते हैं और इतने आसानी से ये टूटते नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये टीन के टुकड़े लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि बरसात के टाइम पे यहाँ से पानी अंदर चला जाता है, तो इसलिए पापा ने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े लगा रखे हैं, तो इनसे ना पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं जाता है, तो इसलिए ये लगा रखे हैं यहाँ पे। तो कई जगहों पे पापा ने ये बना रखे हैं टीन के छोटे छोटे टुकड़े और लगा रखे हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं नीचे और यहाँ पे सिंटेक्स को कर देते हैं बंद, इसको कर देते हैं बंद, इसको बंद कर देते हैं और अब चलते हैं नीचे। नीचे पे भी मेरा कुछ काम हो रहा है, कुछ नहीं बहुत कुछ काम है वहाँ नीचे भी। तो चलिए चलते हैं इनको सबको ले जाते हैं नीचे और चलते हैं वहाँ पे। तो 9 बजे से अभी 12 बज गए हैं, तब से मैं ऊपर ही हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम था मेरा और कहाँ से चलूँ, यहाँ से जल्दी मैं पीछे वाले रास्ते सीढ़ियों से ना काफ़ी ज़्यादा डर भी हो रही है फिसलने की। यहाँ से चलती हूँ नीचे पीछे वाले रास्ते से और यहाँ से नीचे लगानी है छलांग। अब करनी है मुझे यहाँ की तराई। यहाँ पे भी मैंने अभी तराई करनी है, उसके बाद खाना वगैरह बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से मैं अपना काम निपटा देती हूँ और आप लोगों को मिलूंगी सीधा शाम को।
अभी घर में पापा मम्मी और पवन आए भी नहीं, तो अभी मैंने चलना है हरी घास के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने रखना है जो सामान बाहर पे बिखरा हुआ है उनको अंदर रखना, उसके बाद मैंने चलना है खेतों में हरी घास के लिए। तो आज घास भी नहीं बना हुआ है क्योंकि मम्मी है नहीं घर में, तो अब ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। बादल भी छा गए हैं और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लग गए हैं। तो फटाफट से मैं अपना काम निपटाती हूं और आज की ये वीडियो भी यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नए दिन के नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।